वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सुबह की 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की क्लास शुरू हो चुकी है। एक ऐसी क्लास जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसी क्लास जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। अगर आपको गणित नहीं आती, आपको मैथ नहीं आती, तो आपको बिल्कुल टेंशन छोड़ देना है और जीरो लेवल की क्लास हर दिन देखें, इसका सभी भाग देखें। आपको गणित आएगी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कक्षा 4 की गणित की बुक चल रही है आपकी, जो आपके विद्यालय में लगती है ना, प्राथमिक विद्यालय में। तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य भी है, तो इसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं, जो कि अब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हो चुकी है ना सभी। देखिए, अभी तक आप लोगों ने कई भाग देख लिया है, जीरो लेवल की कई बैच चल रही है, ये आपकी सेकेंड या थर्ड बैच होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला सवाल। कह रहा कि एक विद्यालय में बालकों को कुल 3,465 पुस्तकें वितरित की गई, मतलब बांटी गई, फिर तथा बालिकाओं को 4,338 पुस्तकें वितरित की गई, तो कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। दोस्तों, बालक मतलब लड़का, बालिका मतलब लड़की, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो हमें निकालना है कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। ये तो बात छोड़िए, पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, गुणा या भाग क्या करेंगे। इसमें से आप लोग ऑप्शन कमेंट करिए जल्दी से, फिर हम जो भी करना होगा आपको करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, इसको अभी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4, 5, 2, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, ये बड़ी संख्या का है, फिर ऑब्लिक करके छोटी संख्या का है, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, मतलब इन अंकों से मिला करके सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटी कौन सी बनेगी। देखिए, इसको आप करिए, फिर हम तीसरा सवाल भी देख लीजिए। पहले आप लोग उत्तर जल्दी जल्दी से कमेंट करें जिन लोगों को आता है, जिनको नहीं आता वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। देखिए, कोई चीज, कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता है, धरती पर आने के बाद ही सब कुछ होता है। मित्र बनते हैं, व्यवहार बनते हैं, जानकारियां मिलती हैं, अनुभव मिलता है, ठोकरें खाते हैं, है ना, ये सब आने के बाद ही होता है। देखिए, करा विद्यालय में बालकों की कुल संख्या जो भी दी गई है, कुछ भी है ना, और बालिकाओं को इतना पुस्तकें दी गई, मतलब बालक को इतना पुस्तक दी जा रही, बालिका को इतना दी जा रही, इससे नहीं मतलब कितना है। तो कह रहा है कुल कितनी पुस्तक दी गई। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में दो लड़के हैं और आप 15 चॉकलेट लेके आते हैं, एक को 8 दे देते हैं, एक को 7, अब कोई बोले कि दोनों को कितना दिया, तो आप दोनों का गिन लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाता है ना। तो उसी तरह से आप दोनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर हो गया कितनी बांटी गई, इतना पुस्तक इसको मिली, इतना इनको मिली। तो जोड़ लो भाई दोनों को, क्या होगा, ये 3, 4, 6, 5 इसमें जोड़ लेंगे, 4, 3, 8, 3 है ना। तो जोड़ लेते हैं, 5, 3, 8, 8, 6, 14 हासिल आया 1, 4, 3, 7, 1, 8 और 4, 3, 7। देखिए, कहीं अगर थोड़ा मिस्टेक होता है तो बताइएगा, हमारी कोशिश होती है कि 100% सही रहे। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 4, 5, 2, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी मतलब इन्हीं संख्याओं को मिला करके बनाना है, तो कैसे जानेंगे सबसे बड़ी छोटी। एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या का आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो आप सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले उसे क्या करेंगे, इधर देखिए क्या करेंगे। जैसे हमने कहा 1, 2 और 3, इन तीनों को मिला करके 3 अंक को सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या का मतलब इसमें से कॉमा मिटा दीजिए, ये देखिए 123 बन गया, है ना। लेकिन ये बड़ी संख्या थोड़ी बनी, इससे बड़ी भी हो सकती है, कब, जब देखिए हम 3 यहां 2 कर दें, अब देखिए बड़ी हुई ना, लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अब तक जो थी वो 123 थी, फिर एक इसमें और भी बन सकती है। अब देखिए, प्रयोग तो हमने 1, 2, 3 उन्हीं तीनों अंकों का प्रयोग किया ना, ये एक संख्या हो गई, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, मतलब इन तीनों से ये 3 संख्याएं बन सकती हैं, संभव है ना, क्रम बदल के आगे पीछे करके। अब आप खुद देखिए सबसे बड़ा कौन है, 321 सबसे बड़ा है ना।
123 सबसे छोटा है। कहने का मतलब ये, जब संख्याओं को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं यानी कि घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या बनती है, और जब हम उन्हें बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या बनती है, ठीक ना। तो इन्हें घटते क्रम में लिख लेंगे, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। 5 4 3 2 कहां है, 5 नहीं है, 5 4 3 2, 5 4 इसमें कहीं है नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, बड़ी तथा छोटी, पहले बड़ी फिर छोटी। देखिए इसमें कोई भी बड़ी संख्या सही नहीं, सब गलत है। छोटी संख्या की बात करें तो सबसे पहले 2 फिर 3 फिर 4, देखिए 2 3 4 5, जी बिल्कुल छोटी संख्या तो सही है, 2 3 4 5 होगा, बड़ी संख्या क्या होगी। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये उठ रहा होगा जेहन में कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसी को घटते क्रम में लिख देंगे। देखिए बड़ी संख्या होगी 5 4 3 2 54 32, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, लिख लीजिए। छोटी संख्या की बात करेंगे तो इसी को घटते क्रम में लिख देंगे, मतलब ये 2 3 4 5 ये सबसे छोटी संख्या है, समझ में आ गया ना। ऑप्शन जो है कोई भी सही नहीं। अगला देखें, देखिए हमारा तरीका सही होना चाहिए, ये नहीं कि किताब में दिया है भाई इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अब ये उत्तर कैसे होगा। बिल्कुल हो सकता है, आप अपना तरीका सही प्रयोग करिए बस। चले आगे, अगला, एक मेज का मूल्य 665 रुपए है तो चार मेज का मूल्य क्या होगा। देखिए ये आपके प्रसिद्ध किताबों में कक्षा 4 की गणित में पेज नंबर 9 पर दिया गया है। किस पर दिया गया है, पेज नंबर 9 पे, देख लीजिएगा किताब का सवाल है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अगर एक पेन जो है वो 25 रुपए की मिलती है तो दो पेन कितने की मिलेगी, ये 50 रुपए की मिलेगी, है ना। कैसे आया, कैसे आया, जो इसका रुपया है उसमें किससे गुणा करेंगे, जितने वस्तु की मांग होगी। तो 665 रुपए एक का मूल्य है और चार वस्तु की मांग है यानी कि चार मेज का, तो क्या करेंगे, 665 का चार में गुणा कर देंगे, यानी कि 665 गुणा चार, चार पंचे 20 हासिल 2, चार छंग 24 और 24 दो 26 हासिल 2, चार छंग 24 और 24 दो 26, 2660 रुपए हो गया, समझ में है ना। अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों को बता दें कि याद रखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए वो सवाल आपके हो चुके हैं, चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है और पांचवा सवाल आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, कमेंट करिएगा, ये आपके लिए ही है, जल्दी से बताएं 7523 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जल्दी से बताएं इनमें से कोई ऑप्शन सही है अथवा नहीं है। दूसरा सवाल यानी पांचवा सवाल, एक गेंद का मूल्य 65 रुपए है तो दो गेंद का मूल्य कितना होगा, अभी हमने इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल बताया, जल्दी से बता दें। और फिर छठवां सवाल पे आ जाते हैं, फटाफट कमेंट करें, बिल्कुल देर ना करें, जल्दी करें, जल्दी करें, फटाफट करें भाई, बिल्कुल देर ना करें। इसका मान क्या होगा ये भी आपको बताना है। ऑप्शन इसमें भी मैं दे रहा हूं आपको, 32 24 12 9 9 3। देखिए लिखते समय थोड़ा अंधेरा दिखता होगा, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा क्वालिटी चेंज कर ले, बिल्कुल फुल HD दिखेगी, चाहे आप लैपटॉप पे देखिए, कंप्यूटर पे देखिए, टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए, कहीं भी देखिए, जल्दी से बताएं। देखिए आपको बताते हैं, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा ना, जैसे अभी हमने आपको 123 का एग्जांपल लेके बताया कि सबसे छोटी संख्या तब बनती है जब इसे हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जो घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या बनती है, तो इसी को हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। पहले इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, उससे बड़ी 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, 2 3 5 7, देखिए ये हो गया बढ़ते क्रम में, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, सभी गलत है ना। आपका उत्तर होगा 23 57। अगला सवाल, अगर एक गेंद का मूल्य 65 रुपया है, मतलब एक गेंद एक जगह रखो 65 रुपए एक जगह रखो, फिर एक गेंद एक जगह और रखो 65 रुपए एक जगह और रखो, इसका मतलब 65 65 दो जगह जोड़ दें, उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इसे 65 से गुणा कर दीजिए, जितना वस्तु की बात बोली जाएगा
उतना से गुणा कर देंगे उसकी कीमत में, ठीक है। तो दो पंचे दस, दो छह बारह, एक तेरह, 130 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, है ना। नोट कर लीजिए, याद रखें जीरो लेवल की क्लास हर दिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जैसे इस समय 5:30 वगैरह बज रहा होगा, है ना। तो प्रत्येक दिन देखें, मंडे टू सैटरडे, अभी तक फ्राइडे था, अब आपको सैटरडे को भी क्लास मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे, सॉरी माफ करिएगा, मंडे टू सैटरडे आप क्लास देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें, देख रहे हैं, है ना। और अगर आप अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे तो आपको बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी और सभी अन्य विषय की क्लास भी मिल जाएंगी। यूट्यूब पर भी आपको सभी क्लासें मिलती हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे जाकर के मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इससे भी आसान मैथ पढ़ सकें। और उसमें तो लिंक और भी दी गई है, सभी को फॉलो करें और पीबीआर स्टडी के सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा आपकी एक और नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पीबीआर स्टडी। और हाँ, इस क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ साथ में जाइएगा ही नहीं, इसको लेके जाइएगा, लेके जाइएगा मतलब शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो सके इसकी लिंक अवश्य शेयर करें। नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।